नमस्कार दोस्तों, राधिका किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बनाएंगे गिलास केक, एकदम परफेक्ट। ये बच्चों की फेवरेट डिश है दोस्तों, जब भी मन करे आप इसे आसानी से बना सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी और खाने में काफ़ी टेस्टी। चलिए दोस्तों हमको पहले आपको हम सामग्री दिखाते हैं। सबसे पहले एक एग लेंगे दोस्तों, तो एग को तोड़ लेंगे एक बर्तन में, इसे हम बीट कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से इसको बीट करना है, जितना हो सके दोस्तों इसको ज्यादा पीटना। और 4 चम्मच डालेंगे हम शक्कर, 4 चम्मच शक्कर लेंगे दोस्तों। शक्कर साथ फिर बीट कर लेंगे शक्कर को। और 1/2 गिलास हम दूध लेंगे, 1/2 गिलास से कम, तो 1/2 कप लेंगे हम 4 चम्मच करीब मिल्क पाउडर, तो इसे बीट कर लेंगे सारे साथ में। ये तीन ही चीज़ें हम ऐड कर लेंगे। और साथ में हम डालेंगे 8 या 10 चम्मच डालेंगे हम छोटी चम्मच तो मैदा, तो मैदा हमको चाहिए करीब 8 या 10 चम्मच हम इसे मैदा डालेंगे, खाने वाले चम्मच से दोस्तों। तो इसे सारे साथ में हम एक साथ इसको फिट लेंगे, अच्छी तरह से फिटना दोस्तों, जितना हो सके इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है, तभी हमारा केक एकदम परफेक्ट और फुला हुआ मिलेगा हमको अच्छी तरह से। तो साथ में 1 चम्मच या 2 चम्मच देसी घी डाल देना है, चाहे रिफाइंड तेल भी आप डाल सकते हैं, वो फ्लेवर के लिए स्वाद के लिए घी अच्छा लगता है, वैसे आप रिफाइंड तेल डाल सकते हैं घी नहीं होने पर। और इसको अच्छी तरह से फिर मिला देंगे। 1 छोटी चम्मच लेंगे हम बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 1 पैकेट हम इनू का पैकेट छोटा वाला, करीब छोटा वाला पैकेट लेंगे आप। इनू के जगह 1 टीस्पून आप डालोगे बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। और टूटी फूटी लेंगे दोस्तों हम स्वाद अनुसार, करीब 2 या 3 चम्मच टूटी फूटी डाला हमने, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खाने में भी टेस्टी, देखने में भी बहुत ही अच्छा। आप डालेंगे थोड़ा सा और दूध, क्योंकि थोड़ा बैटर गाढ़ा हो गया ना, तो इसको अच्छे तरह से बनाने के लिए हमने 1/2 गिलास से कम दूध डाला है, करीब 1 गिलास दूध चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो आराम से हमने इसको फिटना है, बहुत अच्छे से और फिटना है। वनीला एसेंस लेंगे दोस्तों फ्लेवर के लिए, करीब 1 चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच से कम लिया हमने, तो ये फ्लेवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसको डालना ज़रूरी है, तभी केक में जो खुशबू होती ना फ्लेवर तभी आती है, बहुत ही अच्छा लगता है, ज़रूरी है डालना, तो फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं। अब लेंगे हम गिलास, 2 गिलास लेंगे दोस्तों, पानी पीने वाला नॉर्मल गिलास जो घर में रहता है। 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें ऑयल रिफाइन, तो ब्रश से थोड़ा सा चारों तरफ लगा लेंगे, अच्छे तरह से लगा लेंगे। अब इसमें सूखा हो पाउडर डालेंगे, मैदा डालेंगे दोस्तों, या गेहूं का आटा भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच मैदा लगाया है, इसको चारों तरफ घुमा लिया है, क्योंकि ये इसलिए डाल रहे हैं कि इसमें चिपके ना, तो बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बटर पेपर क्या होता है ना, केक में उसको निकालना फिर मुश्किल होता है थोड़ा बहुत, तो निकालना पड़ता है कागज़ को, तो इसमें बहुत ही आसानी से सूखा डालने से, सूखा आटा लगाने से अच्छे से केक हमारा बन जाता है। तो 1/2 गिलास डालेंगे इसमें हम, तो जगह छोड़ देंगे ना, तो 1/2 गिलास डालेंगे इसमें बैटर आप, बस इतने डालना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं डालना है, ताकि ये इसको हमने पकने के लिए हमको जगह रखना है, केक जब फूलेगा ना तो जगह चाहिए, तो ऊपर से हम टूटी फूटी डालेंगे, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। और गैस में रख देंगे करीब 20 मिनट के लिए, और कुकर के अंदर डालेंगे हम उसमें नमक, तो इसको ढक देंगे, सीटी भी निकाल देना दोस्तों, और इसका रबड़ भी निकाल देना है, और 20 मिनट तक धीमी आंच में हम इसको पकाएंगे, गैस की फ्लेम लो कर लेंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, अब केक देखते हैं कि पक गया कि नहीं, इसको पिट डालकर हम चेक करते हैं। तो तैयार हो गया, 20 मिनट मंदी आंच में रखा है गैस को, तो बहुत ही अच्छा से केक हमारा तैयार हो गया है। आप देखते हैं, साइड से निकाल लेते हैं, तो आसान तरीका मैंने आपको बताया दोस्तों, एक गिलास केक बनाने का,
तो इसमें हमने देखो कितना अच्छा परफेक्ट ये केक बना है, बिल्कुल आसानी से निकल गया दोस्तों। ये सूखा आटा जो लगाया हमने, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैदा लगाने से क्या होता है कि केक गिलास में बिल्कुल नहीं निकलता है। आप किसी भी बर्तन में बनाइए और बहुत ही बढ़िया केक आपका तैयार हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप बना के बच्चों को खिला सकते हैं, खुद खा सकते हैं। काफ़ी टेस्टी होता है ये गिलास केक। आप इसको काट के आपको दिखाते हैं, एकदम फुला फुला बना दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से फूल गया केक। ये देखिए, ऐसे पीस करके हम इसको सेव करेंगे खाने के लिए। ये देखिए, आप एक प्लेट में रखकर इसको सर्व कर लीजिए, खाइए दोस्तों। इस तरह से कैसे लगी आपको ये रेसिपी दोस्तों, जरूर शेयर करना, लाइक करना। ये देखिए, आप इसको हम खाने के लिए रेडी है दोस्तों। कैसी लगी रेसिपी तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहूंगी।